ऑलमोस्ट 4 साल के बाद तोड़फोड़ लेवल का कमबैक होने वाला है शाहरुख खान का पठान मूवी के साथ, जो ऑफिशियली यशराज के स्पाई यूनिवर्स को बवाल लेवल पे एक्सपांड करेगी। और रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान के पठान का जो टीजर है वो दिवाली से एक दिन पहले ही धमाका कर सकता है। पर उससे भी बड़ी हिला देने वाली अपडेट ये है, बैडास पठान मूवी रिलीज होने से पहले ही इस मूवी के सीक्वल पे काम शुरू हो चुका है। रेडी देखो, सबसे पहले बड़ी अपडेट ये है कि प्रोबेबली पठान का जो टीजर है वो 23 अक्टूबर यानी दिवाली से एक दिन पहले रिलीज हो सकता है। और एक सेंसर बोर्ड वाले बंदे ने तो इसका रिव्यू भी कर डाला, जहाँ पे उस बंदे ने रिएक्ट करके कहा कि शाहरुख खान की पठान बाहुबली और KGF का भी बाप है। और उस बंदे ने ये भी कहा कि शाहरुख खान की जो पठान मूवी है वो इंडियन सिनेमा के अंदर स्टाइलिश एक्शन के एरा को स्टार्ट करेगी। अब मुझे नहीं पता कि इस रिएक्शन के अंदर कितनी सच्चाई है, पर कुछ ऐसा कड़क माल पठान के टीजर के अंदर निकला तो भाई इसका एक्शन देख के लिटरली सबके ऑर्गेज्म छूटने वाले हैं। क्योंकि शाहरुख के मूवीज के अंदर स्टोरी टेलिंग होना हो, पर विजुअल्स और एक्शन के मामले में इसकी मूवीज आग लगा देती है। और वही रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन हमें पठान मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि मेकर्स इस मूवी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है कि इस मूवी के सीक्वल पे भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि सोशल मीडिया की हॉट रिपोर्ट्स तो यही कहती है पठान 2 का प्रोसेस बवाल लेवल पे शुरू हो चुका है और इसके सीक्वल में हमें बहुत सारे बैडएस नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जो ऑब्वियसली हर फैन के लिए एक ट्रीट होगा। क्योंकि शाहरुख खान के मूवीज के अंदर बहुत बड़े बड़े लेवल के सरप्राइज होते हैं, जिसे देखने के बाद किसी का भी मुंह और आंखें फटी की फटी रह सकती है। क्योंकि क्या ही पता किसे बिग शॉट सुपरस्टार्स के एंट्री हो जाए पठान 2 से स्पाई यूनिवर्स के अंदर। क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्स तब बड़ा बनता है जिसके यूनिवर्स के अंदर टोटल डेडली कैरेक्टर्स की भरमार हो। मेरे रास्ते से हट जा। अब देखो, ये बताने की जरूरत नहीं कि इस मूवी के अंदर टाइगर और कबीर का एक एक्सटेंडेड कैमियो का तड़का लगने वाला है। और सिद्धार्थ आनंद इस मूवी का डायरेक्टर है तो एक्शन तो इतना स्टाइलिश होगा कि जिसे देखने के बाद किसी की भी सांस से रुक सकती है। अब देखो, भले ही पठान का अभी तक टीजर नहीं आया है, पर मैं अभी से ही इस मूवी के बवाल क्लाइमैक्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे एजेंट्स का टीम अप हो रहा है, जिसके ऑलरेडी 2 कैरेक्टर घोस्ट बन के घूम रहे हैं पूरी दुनिया में। तो अब राइटर अपना जादू चला के किस तरह से इन दोनों तीनों कैरेक्टर को एक साथ मिलाएंगे, लिटरली इस चीज को कोई गेस नहीं कर सकता। क्योंकि इस यूनिवर्स के जितने भी कैरेक्टर है वो किसी भी माइथोलॉजी से कनेक्ट नहीं है, ना ही किसी कॉमिक बुक या नॉवेल के कैरेक्टर है। तो देखा जाए तो स्पाई यूनिवर्स का ये जो वर्ल्ड है उसे हमेशा खुद को प्रूव करना होगा अपनी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट से, तब जाके सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स अपने आप को एक्सपांड कर पाएगा पूरे वर्ल्ड में। पर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। अगर एक साल के अंदर इस यूनिवर्स के अंदर 2 से 3 मूवीज आते हैं, तब जाके ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहेगा स्पाई यूनिवर्स के वर्ल्ड के अंदर। और वो दिख भी रहा है, क्योंकि पठान के बाद टाइगर 3 आने वाली है और वॉर 2 और पठान का सीक्वल भी। पर मजे की बात यह है कि इन सारी मूवीज को मेकर्स कितने जल्दी रिलीज करेंगे। जल्दी मिलते हैं पठान से। तो फाइनली यही कहूंगा कि शाहरुख खान के पठान से लोगों को काफी बड़ी लेवल के एक्सपेक्टेशंस है। क्योंकि जब भी कोई शाहरुख का एक्शन वाला माल आता है वो बॉक्स ऑफिस पे लिटरली तहलका मचाता है। अब बस पठान के बवाल टीजर का वेट है, जिसमें शाहरुख का तोड़फोड़ एक्शन और किलर लुक देखने को मिलेगा, वो भी पूरे मासी क्लासी स्वैग के साथ। तो इसी बात पे GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी नए कॉन्टेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। रेडी।